आज असेंबली के एक इजलास में, इस इजलास में एक मजम्मती करारदाद सरकार के वजीरों की तरफ से पेश हुई, जिसमें कल हमारे इस पीडीएम के अजीमशान जलसे में जिन हमारे मरकजी कायदीन ने तकारीर की, तो इनकी वो छोटी सी मुँह, छोटा सा दिमाग, छोटा सा जहन, उसके हवाले चूँकि अददी एतबार से उनकी अक्सरियत है, उन्होंने ये मजम्मती करारदाद पेश की। तो उस पर हमने एहतजाज किया कि हम भी इस पर बोलेंगे, तो बाद में तय ये हुआ, ये स्पीकर साहब का अपना फैसला था, उनकी अपनी रूलिंग थी कि आप भी बोलेंगे वो भी बोलेंगे, आपकी तरफ से भी नाम आ जाएं और उनकी तरफ से भी नाम आ जाएं। तो एक दो को तो मुहर्रिक के नाम पे उनके लोगों को तकरीरें करने का मौका दिया। इसमें हम खराज तहसीन पेश करते हैं हुकूमती पार्टी के मोहतरम असगर खान चकजई साहब ने को, जिन्होंने ऐवान में, हाउस में ये कहा कि कल की जो तकरीर थी पीडीएम की, उन्होंने आइन की बालादस्ती की बात की, क्या ये गलत है? उन्होंने कानून की बालादस्ती की बात की, क्या ये गलत है? उन्होंने वोट की इज्जत की बात की, क्या ये गलत है? उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ बात की, क्या ये गलत है? उन्होंने आवाम पे जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ की, तो क्या पीडीएम ने ये गलत किया? इस तरह उन्होंने एक एक करके इस हुकूमत के तमाम कारनामे मरकजी के भी और सूबाई के भी उनको गिनवा दिए। उसके बाद उनके एक आध साथी ने तकरीरें की, तो फ्लोर हमारे अख्तर हुसैन लांगव साहब के पास आया। अख्तर हुसैन लांगव साहब ने इब्तिदा ही की थी और उस इब्तिदा में उन्होंने कहा कि मुबीन जो अपने आप को इदारों का बड़ा वफादार समझता है, उसने ख़ुद के अल्फाज कहे। और उसके बाद उन्होंने उनकी जो करतूत थे वो सामने लाने शुरू किए। उन्होंने जो कुछ यहाँ जुल्म किया, जो यहाँ उन्होंने चापलूसी की, जो यहाँ उन्होंने मनसब तक पहुँचने के लिए जद्दोजहद की, उस पे अख्तर हुसैन लांगव साहब जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने बात करनी शुरू की। जब वो घबरा गए, वो उन पे कपकपी तारी हुई, वो उनके हौसले पस्त हुए, तो उन्होंने स्पीकर साहब को कहा कि स्पीकर साहब, ये तो जब बोलते हैं तो चुप नहीं करते हैं, इसलिए आप इस पे वोट करें। उनकी अददी अक्सरियत तो मैंने पहले कहा कि ज़्यादा थी, तो हमने एहतजाज किया कि स्पीकर साहब, आप ही ने फरमाया है कि तुम लोग भी नाम दो, उनके भी हमला हम लेंगे, और एक मजम्मती करारदाद है उस पे तफसील से बहस करेंगे, फिर उसके बाद आप राय लें, उस पे राय जो भी होगी उसको हम तस्लीम करेंगे, लेकिन इससे पहले आपका अपना रूलिंग है, आपका अपना फैसला है, आप किसी भी तरीके से इस पे राय नहीं ले सकते हैं। आप सबको सुने, पहले अख्तर हुसैन साहब को सुने, उसके बाद हमारे तमाम साथियों ने वहाँ नाम लिखवाए थे, उनकी तकारीर आनी थी, लेकिन स्पीकर साहब ने हुकूमत का साथ देते हुए अपनी जो उनकी अपनी जो मनसब है उसको भी उन्होंने रोन डाला, और गैर जानिबदारी जो उनको करनी चाहिए थी, ये उनका मुकाम था, वो गैर जानिबदार भी नहीं रहे, वो हुकूमत के पल्ले में गए। हमने स्पीकर डाइस पे आकर बड़ा एहतजाज किया कि स्पीकर साहब, इनको भी सुनने दो, इनमें सकत पैदा करो, उनको क्या ज़रूरत थी कि इस किस्म की करारदाद लाते? वो जब करारदाद लाए हैं तो अब हमारी भी सुने, ये जो जुल्म हुए हैं उनका भी सुने, ये जो बर्बरियत हुई है उसका भी सुने। और एक ही बात उन्होंने उठाई कि जी हमारे इदारों के ख़िलाफ़, उनका इशारा हमारी फ़ौज की तरफ था। आप सब इसके गवाह हैं कि कल
पीडीएम के जलसों में या इससे पहले या हमारे असेंबली में जहां हमने स्पीचेस किए हैं, हम हमारा इदारा है फौज बहसियत इदारा, हम इसके तकद्दस को भी मानते हैं, उसकी इज्जत भी करते हैं, उस पर जान भी निछावर करते हैं। ये फौज हमारी फौज पाकिस्तान की बका की अलामत है, ये हमारी फौज हमारे लोगों की जान व माल की बका की जमानत है। लेकिन जिस तरीके से ये लोग फौज को बदनाम कर रहे हैं, हमारे इस मुकद्दस इदारे को बदनाम कर रहे हैं, उसके पीछे छुप के वो अपने करप्शन और अपने जो बदनवानियाँ हैं वो कर रहे हैं। इस तरह ये इदारा भी इनके हाथों ज़्यादा बदनाम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इन लोगों को एक मिनट के लिए भी ना हुकूमत में रहने का हक हासिल है और न ही बलूचिस्तान में इनको मजीद हुक्मरानी का हक हासिल है। इन्होंने बलूचिस्तान के तमाम वसाइल पे कब्ज़ा कर लिया है, उन्होंने बलूचिस्तान के तमाम अकदार पामाल किए हैं। आज हमारा गरीब रात को खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन ये मदहोश किसी तरफ नहीं सोचते हैं। आज हमारे लोग इस सर्दी में गैस से महरूम हैं, बच्चे और बूढ़े नमूनिया और बुखार का शिकार हैं, इनको कोई सोच नहीं आ रही है। आज लोग अमन व अमान के मुसीबतों से दो चार हैं, इनको होश नहीं आ रही है। इनके खिलाफ़ तहरीक चलेगी और इंशाअल्लाह ये तहरीक उनका खात्मा करेगी। अब मैं अपने भाई मलक नसीर अहमद शाहवानी जो पार्लिमानी लीडर है बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आपसे हम कलाम हो जाएं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुअज़्ज़िज़ साफ़िया हज़रात, हम आपके मशकूर हैं। मेरे ख़्याल में आज असम्बली का इजलास था जो रूटीन का, इसके अंदर उन्होंने दो करारदाद लाए थे। पहली करारदाद तो जो फ्रांस में आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाकों के हवाले सी थी, जिसको हम लोगों ने मुश्तरिका करारदाद करार देकर उस पर बाकायदा बहस की, जो है अगले हमारे इजलास में स्पीकर साहब ने इजाज़त दी। दूसरी करारदाद जो है इसको पिछले इजलास में भी लाने की कोशिश की गई हुकूमत के अराकीन ने, जिसमें बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कायद सरदार अख्तर मेंगल की तकरीर को इन्होंने कहा कि कराची में सरदार अख्तर मेंगल ने जो तकरीर की है उन्होंने अदारों की कोई ख़िलाफ़ बात की है, और उन्होंने एक इसकी हवाले से और दूसरी नवाज शरीफ के स्पीच के हवाले से भी उन्होंने करारदाद लाने की कोशिश की। लेकिन गुज़िश्ता इजलास में उन्होंने बाकायदा जब वो घबरा गए, उन्होंने देखा कि अपोजिशन बाकायदा इस पर बोलेगी, तो उन्होंने इस करारदाद को इस तरह वापस ले लिया कि स्पीकर ने कहा कि अपोजिशन का जवाब देने के लिए हमारी जो वज़रा हज़रात है वो नहीं है, मैं एहतिजाजन जो है आज का इजलास बर्खास्त करता हूँ। हमें उम्मीद था कि शायद आज के इजलास में दोबारा ये अख्तर मेंगल या नवाज शरीफ के हवाले से लाएंगे, लेकिन उनको कल के जो पीडीएम का जलसा था उन्होंने देख कर उनकी आवाज़ बाख्ता हो गई, और उन्होंने बलूचिस्तान की सरजमीन पर लाखों लोगों का जो जलसा देखकर मेरे ख्याल में उन्होंने बाकायदा एक दूसरी करारदाद लाई, जिसमें पीडीएम के तमाम जो कायदीन हैं उनके स्पीच के हवाले से, तो स्पीकर ने इस पर बाकायदा उन्होंने कहा कि हम इस करारदाद को उन्होंने जब मंजूर किया हमने कहा इस पर हम बाकायदा बोलेंगे, उन्होंने कहा ठीक है अपोजिशन भी इस करारदाद पर बोलेगा और हुकूमती अराकीन भी बोलेगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि स्पीकर जो इस ऐवान का कस्टोडियन होता है उसको गैर जानिबदार रहना चाहिए। हमें उम्मीद था कि आज हम सब मिलकर खुलकर बोलेंगे, और मेरे ख़्याल में अपोजिशन के अराकीन में से आज से पहले भी जिस तरह हमारे दोस्तों ने इस ऐवान में बोला है उन्होंने किसी अदारे के ख़िलाफ़ बात भी नहीं की, उन्होंने बलूचिस्तान की महरूमियों के पर उन्होंने आवाज़ ज़रूर उठाए है, और बलूचिस्तान के हवाले से जो नवाब अकबर बुगटी शहीद की जो बरसी के हवाले से था इस असम्बली के ऐवान में बोले हैं। आज जब बाकायदा इस करारदाद पे बोलना शुरू हो गया तो स्पीकर ने तो पहले जानिबदारी का इज़हार इस तरह किया कि हुकूमत की तरफ से तीन मुकर्ररीन को जब उन्होंने बोलने का मौका दिया उन्होंने खूब इस मौजू पर बोला,
और जब अपोजिशन की तरफ से पहली तकरीर जो अख्तर हुसैन लांगव ने जिस पे बोलनी थी, एक तो उनकी तकरीर शुरू होते ही अपोजिशन की तकरीर पहले तकरीर पे हुकूमती अराकीन ने शोर शराबे भी शुरू किया, और उसके बाद तकरीर के दौरान ही उठकर जो है उन्होंने कोई आवाज़ें भी लगाए। हमें ये था कि शायद स्पीकर साहब इनको कंट्रोल करके इन नशस्तों पर बिठाएंगे और ऐवान का बाकायदा इजलास जारी रहेगा, लेकिन बदकिस्मती ये है कि स्पीकर ने जानिबदारी का इस हद तक मुजाहरा किया कि इतने शोर के अंदर अख्तर हुसैन के इस तकरीर को बजाय इसके कि उसको जारी रहने देता, उसने बाकायदा इस करारदाद पे वोटिंग की और इस करारदाद को जो है ऐसी उजलत में मंजूर कर लिया। उस पर किसी को ये किसी के वह में गुमान में भी ये नहीं था कि स्पीकर आज इस हद तक जो है मेरे ख्याल में वो कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, वो किसी का नौकर नहीं है, वो जो है एक बाकायदा नुमाइंदा है जिसको इस असम्बली के अराकीन मुंतखब करते हैं, और जब इस नशस्त पे वो आ जाता है फिर उसके लिए तमाम अराकीन जो है यकसा बराबर है। मौजूद साफी हजरात, बात यह है कि पीडीएम का जो कल का जलसा था, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कल के जलसे का जो इसमें पाकिस्तान के तमाम वो जमायतें मेरे ख्याल में सिवाय तहरीक इंसाफ की, वो तमाम जमहूरियत पसंद, कौम दोस्त, वतन दोस्त, मजहबी जमायतें शामिल थी, जिनका सिर्फ एक ही नारा था कि वोट को इज्जत दो। इस मुल्क का जो बुनियाद डली है, इस मुल्क के बानी जिस वक्त मेरे ख्याल में इस मुल्क की बुनियाद डली है, उनकी तकारीर में ये चीज़ वाजा है कि ये कौमी जमहूरी मुल्क होगा जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसका नाम रख दिया गया है। और जिस कायदीन ने कल की जो जलसे में जितने भी तकारीर की, उन्होंने अगर फौज के उस अदारे के बारे में मेरे ख्याल में किसी ने बात नहीं की, उन्होंने कहा कि फौज एक इस मुल्क का एक अदारा है, वो अपने इदारे कार में रहकर अपनी काम करे, जजे अपनी इदारे कार में रहकर काम करे। अगर फौज के कुछ लोग, उन्होंने उनकी बाकायदा नवाज शरीफ ने उसमें तकारीर में अपने नाम भी लिए थे, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह जो है जमहूरियत की जो इस मुल्क में चल रही है, मेरे ख्याल में दुनिया आज देखना चाहता है। आज जब हम दुश्मन ममालिक की बात करते हैं तो वहाँ पे एक मिनट के लिए भी मार्शल लॉ नहीं लगी है, उन्होंने आज जो तरक्की किया है तो वो एक जमहूरिया के हवाले से तरक्की किया है। बदकिस्मती हमारे मुल्क में 3-4 मार्शल लॉ लगे हैं, 30 साल इस मुल्क पर जो है मेरे ख्याल में मार्शल लॉ की हुकूमतें होती रही है, आज हमारी जमहूरियत जितने पीछे गई है। ये खुशाइंद बात है कि अगर इस मुल्क में एक कौमी जमहूरी एक जमहूरी मुल्क हुआ, और इसमें इस मुल्क का जो तरक्की है, जो खुशहाली है, वो इसी में मेरे ख्याल में है। इस किस्म के मेरे ख्याल में आज की जिस तरह हुकूमती अराकीन ने कुछ लोगों को, मेरे ख्याल में उनको बाकायदे ये टास्क दिया गया है, जब तकारीर के दौरान ये तो कुछ बोल नहीं सकते, उनको मैसेजें आती है, वो तकारीर के दौरान ही भाग जाती है, कोई तो अपनी कागज़, कोई अपनी अगर मैं कहता हूँ कि जितनी भी चीज़ें उनके अगर टेबल पे पड़े किसी का ऐनक, वो छोड़ के भाग जाते हैं। आज इस किस्म का मेरे ख्याल में मैसेज इस स्पीकर को भी आया होगा, और जिस तरह आज उन्होंने इस असम्बली के तकद्दस को स्पीकर ने, मेरे ख्याल में हम जितने भी अपोजिशन अराकीन है, कभी किसी स्पीकर की तारीख में मिसाल नहीं मिलती, इस तरह तकारीर के दौरान जो अपोजिशन बोल रहा है उसके दौरान वो उजलत में वोटिंग करके भाग जाना, मेरे ख्याल में ये इस जमहूरी जो जमहूरी जो अपना ऐवान है उसकी भी रिवायात की भी तकद्दस की पामाली हुई है। और मैं इस पे बात पे बहुत अफसोस हुआ है, हमारे जजायर पे कब्ज़ा किया गया, बलूचिस्तान के जजायर पे, उस हवाले से कल के इस जलसे में बात हुई है, मिसिंग पर्सन के हवाले से बात हुई है, सब ने उस मुल्क की जो जितने भी जमहूरी कुवतें हैं उन्होंने मिलकर एक जद्दोजहद का आगाज़ किया है। मेरे ख्याल में ये इसी में हमारे मुल्क की मफाद वाबस्ता है और इसी को चलना चाहिए। इस मुल्क के खिलाफ अगर ये होते तो नवाज़ शरीफ इस मुल्क पे 3 दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं होता, और इस मुल्क का वज़ीर 3 दफ़ा पीपल्स पार्टी की हकूमत में रही, और कल के जलसे में वो वफाकी वज़रा गवर्नर साहिबान, और मैं कहता हूँ कि आने वाले दिनों में भी यही बंदे होंगे जो आज गद्दार है, कल इस मुल्क के वजारत उज़्मा पे बराजमा होंगे। और मेरे ख्याल में कई दफ़ा बलूचिस्तान के अवाम को और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पे ये तो लेबल लगता रहा है, लेकिन पहली दफ़ा मुझे
इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि मुल्क के वो तमाम जमहूरी कुव्वत चाहते हैं कि इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत हो, आइन की बालादस्ती हो, पार्लियामान की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो, उन पे भी इस किस्म का लेबल लगाना और आज हमारी स्पीकर का इस असम्बली से भाग जाना जो है इंतहाई अफसोसनाक वाक़ है। हम सब अपोजिशन इसकी मजम्मत करते हैं और हम इस पे आइंदा सोचेंगे कि इस किस्म की असम्बली में इस किस्म का स्पीकर बैठकर जो जानिबदाराना उसका जो किरदार है इस पे सोचना चाहिए। बात करेंगे, एक दफा बात कर लें। मैं नसरुल्लाह खान जी से गुजारिश करूंगा कि बात आप कर आप हजरात के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज आपने देखा स्पीकर साहब ने जिस तरह यहाँ हर चीज़ को बिल्डोज किया, वो यकीनन इस सूबे की तारीख का सबसे ख़तरनाक वाकिया है। स्पीकर साहब के मनसब को ये हरगिज़ ज़ेब नहीं देता कि उन्होंने करारदाद पेश हुई उस पर बात होनी थी, लेकिन स्पीकर ने किसी के कहने पर हमें रोका, हमारे दोस्त को रोका, अख्तर हुसैन को रोका, हमें रोका। तो मैं मुतालबा करूँगा इस स्पीकर से कि उन्होंने अपने मनसब की तोहीन की है, वो फौरन से पेशतर अपने ओहदे से रिज़ाइन करे। ये ओहदा वो स्पीकर कस्टोडियन होता है हाउस का, वो अपोजिशन का भी होता है, वो हुकूमत का भी होता है, उसका मनसब बिल्कुल वो गैर जानिबदार होता है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हकूमत को राह दिखाए, हमें अफसोस हो रहा है। दोस्तों, कल जलसा हुआ पीडीएम का गुजरांवाला में हुआ, कराची में जो जलसा हुआ उसने पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती की बात की है, पाकिस्तान में जमहूर की हुक्मरानी की बात की है, पाकिस्तान में पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात की है, सिविल अथॉरिटी की बात की है। और उस जलसे में हमारे मुअज्ज़ज़ कायदीन ने एक भी ऐसी बात नहीं की है जो इस रियासत के ख़िलाफ़ हो, एक बात नहीं की है। लेकिन आज उन्होंने करारदाद लाया, फिर भाग गई हुकूमत, अपनी बात की, हमारे दोस्तों को नहीं सुना। मैं समझता हूँ कि ये सबसे आज सिया दिन है। आज इस असम्बली के तारीख के 1970 से लेकर आज तक जितनी भी असम्बलियाँ गुजरी है, इस किस्म का वाकया नहीं हुआ है जिसमें स्पीकर ने इस तरह का अमल किया हो। इसलिए कर रहे हो कि आप किसी और के उस पे वोटों पे आ रहे हो। जो लोग जिन्होंने आज चापलूसी करके तकारीर की है, वो किसी और, उनको आवाम ने उनको वोट बिल्कुल नहीं दिया है, वो किसी और के वजह से यहाँ सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, सिलेक्टेड वज़ीर आला है। उन्होंने मुल्क पर ऐसा सिया दौर मुसलत किया है, मुल्क खारिजी तौर पर यक तनहा, दाखिली तौर पर बोहरान कशकार, माशी बोहरान, इकतसादी बोहरान, बेरोज़गारी, बदमनी और जज़ीरों पर कब्ज़ा, मिसिंग पर्सन, इन पे ये तमाम हो रही, इस पे कल हमारे कायदी ने बात की है। मैं समझता हूँ कि हम ये सियाह दिन हर तरह याद ठीक नहीं किया, लिहाजा उन्हें मुस्तफ़ी होना चाहिए।